क्लास 8th चैप्टर 12 सर्फिंग इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। नो वन हैज मैनी आइडियाज अबाउट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड द नंबर इज ग्रोइंग रैपिडली विद ईच पासिंग डे। The computer on the internet communicate with each other using the transmission control protocol, internet protocol. आज के टाइम में इंटरनेट एक ऐसा कनेक्शन है जिससे हम ये काउंट नहीं कर सकते कि कितने लोग या कितने कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं और डे बाय डे कितने कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर पे जो भी कनेक्टिविटी हो रही है या जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है जैसे हम TCP/IP कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब WWW। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बंच ऑफ पेज कॉल्ड वेब पेज कंटेनिंग लाइक टू डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्स दो द इंटरनेट। WWW means World Wide Web। ये हमारा इंटरनेट में एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें हमारे जस्ट लाइक हम सपोज करिए किसी वेबसाइट के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम इसको यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट के साथ तो हमारे मैनी पेजेस लाइक वेब पेजेस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि WWW contains many web pages। The World Wide Web was developed in 1991 by Tim Berners-Lee in Switzerland। The initial purpose of the web was to use a network hypertext to facilitate communication among its members. Mainly, सबसे पहले WWW को नेट एक्सेसिंग purpose से इंडिविजुअली क्रिएट किया गया था, फिर इसे आफ्टर दैट हम पब्लिकली इसको यूज़ करने लगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीमीडिया। द वेब हैज़ बिकम अ ब्रॉडकास्ट मीडियम वेयर वी कैन लिसन टू ऑडियो एंड एन्जॉय वीडियो बोथ प्री रिकॉर्डेड एंड लाइव। फॉर एग्जाम्पल यू कैन विजिट द साइट्स ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यू द सेम वीडियो शोन ऑन द न्यूज। सेवरल प्लग इन आर अवेलेबल फॉर रिव्यूइंग दीज वीडियोज। द विंडो मीडिया प्लेयर रियल प्लेयर एंड क्विक टाइम प्लग इन प्ले स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स लाइक दैट। दीज आर all possible with the help of internet on the server. Real-time communication. Text, audio and video communication can happen in real-time online on the web. These capabilities allow people to conference and collaborate in real-time. At its simplest, chat programs allow multiple users to share with each other in real-time for more enhanced real-time communication offers an audio and video component. The real-time communication tools include chat, audio, video, file transfer, document application, sharing. What is the mean of real-time communication? Means जो chatting हम online करते हैं real textual कुछ instant messaging softwares होते हैं वो हमारे real-time होते हैं। इट मीन्स रियल टाइम मीन्स कि सेम टाइम पे चैटिंग मीन्स ऑनलाइन चैटिंग जब हम चैटिंग करते हैं तो सेम टाइम पे अदर पर्सन जो रिसीवर है वो भी सेम टाइम ऑनलाइन रहता है जिससे हमारा रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। जब हम मैसेज सेंड करते हैं बिना सेकंड उसको मैसेज मिलता है और सेम टाइम पे वो हमें रिप्लाई करता है। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन। बात करते हैं स्काइप। स्काइप इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज। इट अलाउज यू टू इंस्टेंट मैसेजिंग। अभी मैंने बताया था आपको इंस्टेंट मैसेजिंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन में हम इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ करते हैं या इंस्टेंट मैसेजिंग इज इक्वल टू रियल टाइम कम्युनिकेशन। मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स टू फेलो स्काइप यूजर्स ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री। यू कैन इवन कॉल पीपल एब्रोड ऑन दियर फोन्स और सेल फोन्स ऑन फेयरली अफोर्डेबल रेट्स। वाट डू यू नीड टू सेट अ स्काइप, यानी हम स्काइप को यूज़ करने के लिए डाउनलोड करने के लिए
किन किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपली आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन या लैपटॉप में आपके या कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देन चैटिंग पर्पस से आपके पास एक माइक्रोफोन, एक कैमरा लाइक दैट ये होना चाहिए। जब ये फैसिलिटीज आपके पास होंगे तो आप इजीली किसी से भी स्काइप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। देर आर टू वर्जन्स ऑफ स्काइप्स, स्काइप फॉर विंडो ऑपरेटिंग, स्काइप फॉर मैक ऑपरेटिंग, यानी एक हमारा नॉर्मल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर्स के हम यूज़ करते हैं, और एक हमारा आईफोन पर्पज से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग स्काइप फॉर विंडोज, डाउनलोड के लिए आप क्या करेंगे, टू डाउनलोड गो टू skype.com, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपना अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ से ऑडियो और वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट। दिस इज अ वंडरफुल फीचर टू एड कॉन्टैक्ट ऑफ मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम हु यूज स्काइप। द इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट ऑप्शन अलाउज यू टू इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर अदर अकाउंट्स सच एज योर ईमेल अकाउंट्स और फेसबुक। यानी इसमें स्काइप में आपकी ये भी फैसिलिटी होती है कि हम इसमें सेम टाइम पे मोर देन वन कॉन्टैक्ट भी इसमें हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम जब चाहें तब उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्रिएटिंग ब्लॉग, अ ब्लॉग, क्रिएटिंग अ ब्लॉग। ए ब्लॉग इज एन ईजी टू क्रिएट वेबसाइट दैट अलाउज यूजर टू शेयर दियर थॉट्स विद द वर्ल्ड। द वर्ड ब्लॉग कम्स फ्रॉम वेबलॉग बिकॉज अ ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ असाइंड एंड डेटेड ब्लॉग ऑफ इंडिविजुअल पोस्टिंग। ब्लॉग करने के लिए हम एक प्रॉपर अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और एक अपना पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, नेट पे ऑनलाइन जर्नल अपना क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से हम अपना एक लिमिटेड वर्ड में ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जो पर्सन ब्लॉग पोस्ट करता है उसे ब्लॉगर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, सिंपल। ये हमारा इसमें प्रोसेस दिखाया गया है कैसे हम इसको पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।